विरोध विच संयुक्त किसान मोर्चे वालों भारत बंद की कॉल दी गई सी। गुरदासपुर विच भारत बंद नूं भरवां हुंगारा मिलिया। गुरदासपुर के बाजार पूरी तरह बंद ने अते दुकानदारां ने भी भारत बंद का समर्थन किया। तो उत्थे ही साडा पंजाब फैडरेशन के नौजवान आगुआं वल्लों शहर विच रोस मार्च भी कढ़िया गया अते लोकां दुकानदारां अते व्यापारियों नूं खेती कानूनां दे विरोध विच जागरूक किया। इस मौके ते नौजवान आगुआं ने दस्या कि मोदी सरकार नूं जगाउण लई इह रोस मार्च किया जा रहा है। इस बारे गल करदे आं होर उहनां की कहा, आओ जानदे आं। संयुक्त किसान मोर्चे वालों जो भारत बंद की कॉल की गई थी उन्होंने पूर्ण तौर पर समर्थन मिल रहा है। असी हुण पूरे बाजार के पैदल मार्च कर रहे हैं और असी देख रहे हैं कि हर व्यापारी वर्ग दुकानदार वर्ग अज किसानों के हक के ना काले कानून के विरोध में आ। और शाम तक जो पूरे भारत दी भी रिपोर्टा जो मोदी को जाएगियां इस बारी एक बारी तो उसनों पता लगेगा कि जिथे पहला चार महीनों तो पिछलिया तो किसान लखां की गिनती दिल्ली बार्डर के उत्ते बैठे ने और अज पूरे भारत के वधिया एक कामयाब यह अंदोलन नूं कामयाबी मिलेगी। पूर्ण तौर पर बंद होगा और जिन्नी देर तक यह काले कानून रद्द नहीं होंगे इस तरह ही नौजवान वर्ग अपने हक सच की लड़ाई लड़ता रहेगा और काले कानून रद्द करा के फिर ही अपने घर बैठा। ये प्रदर्शन करने की लोड़ तो पई जी, जो है गोदी मीडिया से यह रौला बड़ा पा रहा है कि जिहड़ा दिल्ली मोर्चा लगा हुआ है खिंड गया है, हुण इत्थे कुछ नहीं रहा। वो विखाउण दे लई कि असीं सारे एक हाँ, सारा नौजवान वर्ग, सारा मजदूर वर्ग और सारा किसानी वर्ग सारे एक हाँ सी। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक कॉल दी गई कि अज भारत बंद किया जाएगा। उसका ही समर्थन करते हुए साडा पंजाब फैडरेशन वालों अज इत्थे गुरदासपुर विखे चक्का जाम किया जा रहा है, दुकाना बंद करवाई जा रही ने। पर पहला ही इत्थे जिहड़े सारे ही व्यापारी वर्ग है इसने अपनी दुकाना बंद करके इस भारत बंद का समर्थन किया गया है। गुरदासपुर तो अवतार सिंह की रिपोर्ट के नाल डिप्टी वीएनआर आए।